बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक पेंसिल बना के दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और मैं इसका थिकनेस जो है 0.25 कर दी है और एंकर 0.2 लेके मैंने इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा ड्रैग कर दिया। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ऑल दबा के मैंने इसकी एक कॉपी बना ली और मैंने एक तीसरी कॉपी बना ली। अब इसको मैं सिलेक्ट करके छोटा कर दूंगा, इतनी बड़ी पेंसिल नहीं होती है। ये मैंने छोटा कर दिया इसको, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर दूंगा। कंट्रोल दबाया तो मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया। अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा इस पेंसिल का टॉप का पार्ट बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया, इसको मैं नो फिल कर दूँगा और मैं ऐड एंकर पॉइंट टूल लेके बीच में एक एंकर ऐड कर दूँगा और ऑल दबा के दूसरे दो एंकर्स को डिलीट कर दूँगा। सारे को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं इसकी ये इसको थोड़ा सा इस हिस्से को बड़ा कर दूँगा क्योंकि इसे हमें इसमें हमें इसकी टिप भी बनानी है, तो इसको काट के ही इसकी टिप बनाएंगे। इसको सिलेक्ट करके मैं इसमें ग्रेडियंट फिल कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से ये ग्रीन कलर चूज़ कर लिया और यहाँ पर मैं दोबारा डबल क्लिक करके यहाँ पे लाइट ग्रीन डाल दूँगा मैं और बीच में इसके वाइट डाल दूँगा ताकि ऐसा लगे एक तरफ से पेंसिल के ऊपर लाइट पड़ रही है। तो इसमें मैं वाइट डाल देता हूँ, मैंने इसमें वाइट डाल दिया। जो ऊपर के स्लाइडर्स हैं इनको करीब कर दूंगा, वटा बहुत ज़्यादा वाइट नज़र आ, वाइट कलर नज़र आ रहा है बीच में। तो स्लाइडर को मैं ये मैंने करीब करीब कर दिया इसके ऊपर, तो अब देखें एक तरफ से लाइट इसके ऊपर पड़ती भी नज़र आ रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर कहीं से लाइट तो पड़ी रही होती है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। दूसरे को सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल लेके और आई ड्रॉपर टू से तीनों रेक्टेंगल्स में मैंने सेम कलर फिल कर दिया। अब ये नीचे वाले पार्ट में भी इसी तरीके से ग्रेडियंट फिल करेंगे। इसको मैंने डबल क्लिक किया तो इसके अंदर मैं ये ब्राउन कलर डाल देता हूँ। और इधर वाले में लाइट ब्राउन डाल दूंगा। इस स्लाइडर को थोड़ा सा कर देता हूँ और इन ऊपर की जो स्लाइडर्स हैं इनको बीच में कर देता हूँ। देखें वहाँ पर भी वैसे ही लाइट पड़ रही है जैसे ऊपर पड़ रही थी, क्योंकि बीच के स्लाइडर वही हैं, सिर्फ मैंने लेफ़्ट और राइट स्लाइडर के ऊपर कलर चेंज किया। जो वाइट स्लाइडर है अपनी जगह पर ही है। अब मैं नाइफ टूल लेके और इसमें से इसकी पेंसिल की टिप काट लूँगा। ये मैंने टिप काट दी इसकी और यहाँ पे हम ब्लैक कलर फिल कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके इसमें ब्लैक कलर डाल देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह, और हमारा वाइट स्लाइडर अपनी जगह पे है और इस पर हल लाइट देखिए कुछ इस तरीके से लाइट पड़ रही है। और मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, इतनी मोटी पेंसिल नहीं होती है। अब मैं इसके ऊपर का टॉप पार्ट बनाऊंगा। अब देखिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये
ये इसकी टिप मैं थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। मैं ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, इसका जो ऊपर पीला सा जो है वो येलो कलर का जो सिल्वर का लगा हुआ होता है रबर से नीचे, तो वो बनाते हैं। इसको सेंड बैक कर दिया राइट क्लिक करके, और यहाँ पर अब मैं ग्रेडियंट फिल करूँगा। और हमारे जो वाइट है वो अपनी जगह पे है स्लाइडर, तो गलत हो गया, दोबारा से करता हूँ। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और इसको इधर कर देता हूँ। ये देखिए, अब इसको मैं सेलेक्ट करके इसकी इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ, क्योंकि ऊपर जो है हमें रबर बनानी है, जो पेंसिल के ऊपर रबर लगी हुई होती है। ठीक है, राइट क्लिक करके अरेंज में जाके इसको सेंड टू बैक कर दिया। अब ये इसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैंने आपको बताया था विजेट को ड्रैग कर लेते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ऊपर के करना है तो सिर्फ ऊपर को सिलेक्ट करेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर लिया। अब इसमें कलर फिल कर देंगे उसी तरीके से जैसे सारी जगह पे ग्रेडियंट हमने फिल किया है, यहाँ पर भी उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैं ये डार्क कलर ले लिया और दूसरी पहली स्लाइडर के ऊपर मैं लाइट कलर ले लूँगा और हमारी वाइट स्लाइडर अपनी जगह पर रखी है। तो अब मैं इसके ऊपर वो जो वो सिल्वर का ऊपर बना हुआ होता है उसके ऊपर कुछ वर्टिकल लाइंस एम्बोस हुई हुई होती है, तो उस तरीके का कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। इसमें मैं येलो कलर डाल देता हूँ, इसको ग्रुप अनग्रुप हुआ है करो। ग्रुप कर लिया इसे, अब मैं इसकी कॉपी निकालूंगा ऑल्ट दबा के, इसकी मैं एक कॉपी निकालूंगा और फिर कंट्रोल डी से मजीद कॉपियां बनाऊंगा ताकि इसके दरमियान स्पेसिंग एक जैसी आए। ठीक है, इसको पकड़ के छोटा कर दें। इसको भी इसी के साइज का कर दें। कुछ इस तरीके से और मैं इसकी कॉपी निकाल लूंगा, एक कॉपी में यहाँ रख देता हूँ इसकी, और उसमें मुख्तलिफ कलर्स डाल देंगे। इसकी मैं तीन कॉपीज बना देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं पहला सेलेक्ट करूँगा और ग्रेडियंट में जाके यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर दूँगा। अब मैं इस पे यहाँ पर कलर चेंज कर दूँगा, मैं ये डार्क रेड ले लेता हूँ
और यहाँ पे रेड में लाइट ले लूँगा उसका, और बीच में हमारा जो है वो गलत हो गया, फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रेड ले लेता हूँ, डार्क रेड, और यहाँ पर उसी का लाइट, ठीक है। अब बहुत ही आसान है, अब आप आई ड्रॉपर टूल कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट करें और आई ड्रॉपर टूल से यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो दूसरे में फिल हो जाएगा। अब कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल दबाते हैं तो आपको सिलेक्शन टूल मिल जाता है बग़ैर टूल बार में जाए। अब आप यहाँ से सेलेक्ट करें, इसे देखें, सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं कलर चेंज करता हूँ इसका स्लाइडर से, मैंने ये कलर चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे दूसरी स्लाइडर पे शुरू में इसी का लाइट कलर येलो, ठीक है। अब मैं आगे इसको कंट्रोल दबा के दूसरे को सिलेक्ट करूँगा, जब कंट्रोल दबाते हैं तो आपको सिलेक्शन टूल मिल जाता है, और आई ड्रॉपर टूल लेके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बराबर वाले बॉक्स में फिल हो जाएगा सेम कलर, ये देखिए इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये इसको हमें सेंड टू बैक करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके अरेंज में जाके इसको सेंड टू बैक कर दें, राइट क्लिक करके अरेंज में जाके सेंड टू बैक, अरेंज सेंड टू बैक, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा ड्रॉप शैडो डाल देते हैं, इफेक्ट में जाके स्टाइलाइज ड्रॉप शैडो, ठीक है। थोड़ा सी स्पेसिंग कर देता हूँ इसके दरमियान, ड्रॉप शैडो, बस इसी तरह आप जो है वो, मुझे हमेशा अच्छा लगता है थोड़ा सा ड्रॉप शैडो देना। ठीक है, बस इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात हो, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.